मैं आपको बताता हूँ, नवंबर है 28, 2021, समय हो गया है 01:01:12। जो मेरे सिक्योरिटी का मामला है ना, सिक्योरिटी तो अब शुरू हुई है, पहले थोड़ी थी मेरी सिक्योरिटी। सब बेवकूफ बेवकूफ बेकार बना, बेवकूफ बनाने वाली बात है। हितेश का, हितेश हितेश जो नेहरू राय का जमाई था ना, जिसकी शादी प्रीति से हुई थी, उसका मर्डर जो है शादी के कुछ दिन बाद ही हो गया था, घर में ही कर दिया था नेहरू राय ने, बिल्कुल मारी गोली उसके, समझे। हम सात भाई हैं, सात, और सातों एक जैसे हैं, पर हमारे से ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है धरती पे, समझ भाई। हम जब चाहते हैं तभी दिखाई देते हैं। एक ही था जो यहाँ भारत में दिखाई देते, तो भारत के अंदर कुछ काम चल रहा था, डेवलपमेंट का काम चल रहा था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल चीन, चीन कोई क्या कहते हैं, कोई डेवलप कंट्री है, पिछड़ा हुआ देश है चीन, देखने में गोरे चिकने से कुछ नहीं होता। खुद नेहरू राय ने मर्डर किया था, बिल्कुल किया उसने, अपने जमाई का मर्डर, झूठ बोलता है वो। हितेश आज का मरा है, हम सात भाई हैं सात, और सातों का नाम हितेश है, समझ में आ गई। हम दिखते नहीं है, जब उसका मर्डर हुआ था ना, जिस दिन उसको गोली मारी है, उसको नेहरू राय, सुनो, इसकी उसकी एक बेटी बुल्लू, हाँ, इन्वॉल्व थी, उसका बेटा अंशदेव रवि, ये सब इन्वॉल्व थे, घर में ही मारा उसको, ऊपर वाले रूम में मारा है, शेखर मौजूद था, पप्पू मौजूद था, बिल्कुल मारिए गोली उसको, उसके यहां से गोली मारी थी, ऊपर निकाल दी थी सीधे। हम सात भाइयों में से एक ही था जो दिखाई देता था, हम सात में से कोई एक ही एक टाइम पे दिखाई देता है, तब हमने जो है न्यूक्लियर बटन एक्टिवेट कर दिया था। पागल समझ रहे नेहरू राय ये, जब नेहरू राय को लग गया ना उस दिन हुआ, हम अकेले ऐसे सात भाई हैं धरती पे जो मॉर्फ हो सकते हैं, मॉर्फ होते हैं, जानते किसे कहते हैं, मैंने सिखाया प्रीति को मॉर्फ होना, समझ में आई। बैठे बैठे जो है ना चेहरा बदल जाता हमारा, पर लिखेगा वैसे ही, समझ में आई। तब से हम इतने गुस्से में थे, मुकेश को क्या पता, ये तो उस दिन भी जो है शादी वाले दिन, जो है जिस दिन शादी थी हितेश की, उस दिन भी रात को सब छोड़ के भग गए थे मंडप पे, बिल्कुल छोड़ के भग गए हैं सब, अकेला छोड़ के उसे, बाद में आए हैं सब, ये क्या बात करेंगे। तब तो उसके बाद हमने कम 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 मर्डर किए बिहार में, हमने तो कहा था हम तो पूरा भारत खत्म कर देंगे। उसके बाद मोदी ने ऑर्डर दिया प्रधानमंत्री कार्यालय ने हितेश को मारने में, मारने के लिए विक्रमशिला एक्सप्रेस में। नेहरू राय जो है ये बात जानता था, हितेश जो था ना आईटीसी का मालिक था वो, इंडियन टंबैको कंपनी, इनकम टैक्स कमिश्नर था वो भारत में, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, मैं इंटरपोल ऑफिसर रहा हूं, आज भी हूं, मैं 946 हूं, वो 37 था इनकम टैक्स कमिश्नर, चेन स्मोकर था वो, सिगरेट पीने वाला, समझ में आई। नेहरू राय ये बात जानता था, उसने पैसे के लालच में मर्डर किया था, आईटीसी कंपनी का मालिक जो था वो हितेश था, जिसकी शादी, तब उसके बाद जो है क्या कहते, प्रीति से मैंने शादी करी, क्या करता छोड़ देता उसे, हम तो नहीं छोड़ते ऐसे। हमने कहा आप पूरा ट्रेस ले इसका, ये बकवास कर रही है। तब मैंने बोला आज उसको शौर्य को, मैं तेरा बाप मर चुका है, हम तो कह रहे हम तो पूरा पूरा नेटवर्क मार देंगे इसका, नेहरू राय का क्या बात कर रहा है ये, बड़े आराम से बदमाशी दिखा रहा, बड़े आराम से ये, और रेनू राय इसका एक मामा था प्रीति का, वो तारापुरिया जमुआ के पास रहता था, वो इकलौता भाई था, वो रिवॉल्वर उसी ने तो दी थी ला करके, तब बाद में उसे मारा हमने, पागल समझ रहे क्या, हम तो एक को मार देंगे इनको,
छाना बन रहा है। इतना मां का लोड़ा हरामी आदमी था ये भोसड़ी का नेहरू राय, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ मां के लोड़ा को जिंदा नहीं छोड़ने इस भोसड़ी वाले, पूरा नेटवर्क मारेंगे इस मां के लोड़ा, कुत्ते का बच्चा तक मार देंगे इसके घर में, कुत्ते का बच्चा तक मार देंगे इसके घर में हम। ये बात नेहरू राय अच्छी तरह से जानता था कि देश जो था आईटीसी का मालिक था वो, इंडियन टंबैको कंपनी, समझ में आई। वो सिगरेट पीता था धुआंधार, रात को घर में ही वो अकेला सो रहा था, समझ में आई, ऊपर वाले रूम में, तब मारा था उसको उसी रूम में, चूतिया समझ रहे हम उसकी हितेश की अस्थि पकड़ लोगे, क्या बात कर रहे हो तुम। फिर उसी दिन उसी जगह पे हम मॉर्फ हुए थे, उस दिन से एसपीजी वर्ल्ड स्टार्ट किया था हमने। इन लोगों ने क्या करा, गोली मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को आराम से उठाया, और ये बड़ा वाला चाय पत्ती का बैग होता है ना, इससे भी बड़ा एक लेकर के आए थे ये लोग, वैसे ही बैग में इसमें उसको भरा, समझ में आई, उसको लेकर के गए और बरारी घाट पे जलाया। देखो समझ रहा है, खुद बिहार पुलिस के कुछ लोग इन्वॉल्व थे आईटीसी, क्योंकि ये सेल टच में था, इसको पता थी ये बात, ये पैसे की डिमांड कर रहा था ये बहुत समय से। किस बात का पैसा है, तो ये लड़की से शादी कर ली, यही बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड की 7 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक है हम लोग। पहली कंपनी आईटीसी मान लो, तो आईटीसी कंपनी का मालिक को मारा इन्होंने पैसे के लालच में, बाद में कह रहे थे कि उसकी एसपीजी बनाएंगे, ऐसे कैसे बना लेगा। मारने के बाद जब उसको बैग में रख करके ले जाने लगे, तो लेके कहां से जाओगे, मैंने उसी समय इनको एसपीजी में कन्वर्ट कर दिया था, और मैं वहीं का वहीं रह गया। देखो समझ रहे हो, जिस दिन मैंने असली जलवा दिखाया ना प्रीति को, यहां पर उठ के भग गई थी यहां से बच्चों के साथ नीचे वाले रूम में। मैं कहते ऐसे मॉर्फ होते हैं, पागल समझ रही है तू। आज की आईटीसी कंपनी, मोदी को भी यह बात पता थी, नेहरू राय ने यह बात सबको बता दी थी अपने रिश्तेदारों में कि आईटीसी कंपनी का मालिक है ये, इनकम टैक्स कमिश्नर। जी हां, केजरीवाल का बेल्ट नंबर देगा 10827, केजरीवाल नहीं जानता था यह बात। अब कहां जाओगे, आज भी जेएसआर सिक्योरिटी, जब जेबीके वर्ल्ड फोरम, कोई अरे कोई नाम ले लो, आईटीसी का पैसा लगा हुआ है। वर्ल्ड में आईटीसी से बड़ी कंपनी नहीं है कोई आज भी। इंडियन मीडिया सब लग गए किसका पैसा, अरे आएगा कैसे, तुम लोग कैसे, तुम तो मार मरने के बाद मरता नहीं, हम मार के दिखाएंगे ना। ये असली किस्सा है, नेहरू राय का परिवार, नेहरू राय का वो साडू अशोक राय, इसका पूरा खानदान मार देंगे हम, समझ में आई, पूरा खानदान मार देंगे इसका। मैं ही अकेला ऐसा हूं धरती पे जो मारने से भी नहीं मरता, क्योंकि मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। जब तक तुम मुझे पहचानोगे ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने भेजा प्रीति को और तीनों बच्चों को, मैंने जाइयो जरा, आज बकवास कर रही है, करना सीख गई है तू, पैसा
माँ का भोसड़ा बहन के लवड़े की हलक में हाथ डाल के भी खींच लेंगे, और माँ की चूत बिहार पुलिस की बहन के लौड़ो, अगर ऑर्डर फॉलो नहीं हुए ना पूरे बिहार को जिंदा जलवा देंगे। ब्रोकन एरो ऑन बिहार, निकालो उसको बच्चों के साथ वहां से, हटाओ पूरा बिहार भूंज दूंगा, नए बिहारी भी लेके आएंगे बढ़िया क्वालिटी के। फूकने का कोड होता है, चलो हराम के पिल्ले, बच्चे को सुपरवाइज दे रहे हैं भोसड़ी के, फीड लिखेगा तब पैसा आएगा, तेरी माँ की चूत बहन की लौड़ी। सुना कुछ है? पिक्चर नहीं चल रही, तेरी लौंडी है ना बेबी, वो भी शामिल थी, मैंने चढ़वाई प्लेबॉय में, सुन ले रेनू राय, औकात में आ जियो, बहन की लोड़ी तेरी माँ से दुआ दूंगा, नहीं तो तेरा पूरा खानदान मारा, तेरा भाई हमने मारा, तेरा इकलौता भाई हमने मारा है, तेरे दो रिश्तेदार और मारे हैं हमने, समझ नहीं, हम बताएंगे तुझे असली वाला खेल, गोपाल मंडल हमने मारा प्रीति, बोल दिया बुल्लू को भी, बोलेगी कैसे बुल्लू भी नहीं है, समझ नहीं, एक जैसी शक्ल के ढूंढ ढूंढ के ला के पता है क्या दिखाते हैं, इतने चिंता मत कर, रिश्तेदार यहाँ है, मुझे जरूरत ही नहीं है ऐसी शक्लों की, हटाओ इनको यहाँ से, और बात सुनो ये शिवम जैसी शक्ल वाले, तेरी माँ को पैसे भेज दिए, लिखो दफाओ यहाँ से, और ये बुल्लू की शक्ल की जो घूम रही है, और ये हाकिम का कोड, मेरे आस पास अगर मेरे रिश्तेदार का कोई कोड बनाया तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे, पहले बोल रहा हूँ मैं हर डायमेंशन में हूँ, डायमेंशन मैंने ऑन करी है, माँ का लोड़ा जा रहा है, चाणा बन रहा है, ऐसे भी खेलेंगे थोड़े से।